Hi there, it is Praveen Sagar here, the trainer of English language. Welcome back. Today you will learn about the daily routine of other person. Other person means your brother, sister, father, friend. These all people are called other person. Mind them. Daily routine means when you get up in the morning and before going to bed, all the actions you are being done by you every day, that is called daily routine. आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी थर्ड पर्सन का रूटीन हम कैसे बताएंगे. डेली रूटीन मीन्स होता है सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले जो भी आप रोजाना काम करते हैं उससे हम कहते हैं डेली रूटीन. ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं. आज हम सीखते हैं डेली रूटीन. इसमें कुछ नहीं करना, मैं पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ बोलकर के डेली रूटीन हम किसी भी इंसान का कैसे बोलेंगे. देखिए, जैसे इमेजिन यदि मैं अपने फादर का बोल रूटीन बताऊँगा या मदर का बताऊँगा या अपने दोस्त का बताऊँगा, तो मैं ऐसे बताऊँगा कि देखिए मेरे फादर जो हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, उठने के बाद वो टहलने जाते हैं, फिर वहाँ से आने के बाद वो ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद वो नहाते हैं, और नहाने के बाद वो तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद सुबह का नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस जाते हैं, फिर वहाँ वो काम करते हैं शाम को 5 बजे तक, फिर वहाँ से वो घर वापस आते हैं, घर वापस आने के बाद वो हमारे साथ कुछ मस्ती करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, गेम खेलते हैं, गेम खेलने के बाद वो अपने ऑफिस का काम करते हैं, और अपने ऑफिस का काम करने के बाद मम्मी घर का शाम का खाना बनाती है, हम सब एक साथ खाना खाते हैं, और पापा खाना खाने के बाद फिर से अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी पर देखते हैं, और टीवी देखने के बाद वो सो जाते हैं. तो ये था हिंदी में डेली रूटीन ऑफ द थर्ड पर्सन. तो इसको अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आज की क्लास से हम जानेंगे. रेडी? ठीक है. देखो, यदि मैं ये कहूँ कि भाई चल मैं मदर का बताता हूँ मुझे कि मेरी मम्मी जल्दी उठ जाती है, तो उठना होता है उठना होता है गेट अप अर्ली, जल्दी उठना, ये एक्शन है हमारा. एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम किसी अदर पर्सन का डेली रूटीन बताएंगे तो कुछ भी नहीं करना, हमको एक्शन में एस या ईएस लगा देना है बस. तो ये एक्शन है, यहाँ बोलता है गेट्स. ठीक है, तो एस हमें लगा दिया यहाँ पर, ये पहचान बता रहा है कि एक्शन में एस ईएस लगाकर वो रूटीन बन जाता है किसी और इंसान का. और यहाँ पर आप इसका बता रहे हैं माई मदर, ये सब्जेक्ट ये हो गया जिसका हम बता रहे हैं. तो यदि आप ये बोले कि मेरी मम्मी जल्दी उठ जाती है, तो माई मदर गेट्स अप अर्ली. ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो हमको करेक्टर चाहिए. इसके बाद आफ्टर दैट आफ्टर दैट वो टहलने जाती है, टहलने जाती है, माई मदर की जगह हमने यूज कर दिया शी. वो टहले जाती है, जाना होता है वो. जैसे कि आपको पता होना चाहिए जब ये हम किसी और का रूटीन बता रहे हैं तो ये एक्शन एक्शन यानी कोई भी काम, जैसे टीच, गो, कम, स्टैंड, स्टडी, ड्रिंक, ये सारी एक्शंस हैं. तो एक्शन में हम एस से यस लगा देंगे बस. तो शी गो, तो गो में हम लगा देंगे यस. शी गोज फॉर यहाँ फिर इसको लगा दें. मैंने कहा कि मेरी मम्मी जल्दी उठ जाती है, तो माई मदर गेट्स अर्ली. इसके बाद आता दैट, इस और इस सेंटेंस को हमने जोड़ा तो करेक्टर लगा दिया. आता दैट वो वॉक पर जाती है, टहलने जाती है, शी गोज फॉर अ वॉक. ठीक है, फिर एंड देन वापस आती है.
शी कम बैक, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है, ये कम एक्शन है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो हम यहाँ लगा देंगे एस। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इधर लगा हुआ है, तो वह घर वापस आती है, शी कम्स बैक। ठीक है, इसके बाद आफ्टर दैट वह ब्रश करती है, शी ब्रशेस, शी ब्रशेस हर टेल। ठीक, ब्रश करने के बाद वो नहाती है, शी टेक्स अ बाथ, और फिर एंड देन वह सभी के लिए नाश्ता बनाती है, शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट। इसके बाद एंड देन यदि आपको भी घर का घर हाउस वाइफ हैं या फिर जैसे भी हैं तो आप अपने तरीके से देखें ना, यदि जैसे मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी टीचर है, इसके बाद वो स्कूल जाती है, एंड देन शी गोज टू स्कूल, शाम कर वापस आती है, तो घर वापस आने के मैंने आपको बता दिया, शी कम्स बैक होम इन द इवनिंग। ठीक है ना, और वो झाड़ू लगाती है, शी झाड़ू लगाता है, स्वीप, झाड़ू लगाता है, स्वीप, वो आपको मालूम है हम अदर पर्सन का बता रहे हैं, ये एक्शन है, यहाँ पे ऐसा रहेगा, शी स्वीप्स द फ्लोर। फिर पोछा लगाती है, आफ्टर दैट पोछा लगाना मतलब मोप, तो इसमें हम ऐसे लगाती, शी मोप्स द फ्लोर। ठीक है, तो ये पैटर्न है, मैंने आपको तरीके बता रहा हूँ डेली रूटीन हम कैसे बताएं किसी भी और इंसान का, तो बस कुछ नहीं करना आपको, एक्शंस में एस ई एस लगाते हैं, शी मूव द फ्लोर, क्या वो खाना बनाती है, शी प्रिपेयर्स द फूड, वो टीवी देखती है, शी वॉचेस द टीवी, फिर सो जाती है, आफ्टर दैट शी गोज टू बेड, सोना होता है, गो टू बेड। अब से आप सभी एक दोबारा से आप समझ लें, देखिए यदि आपको ये कहना हो कि मेरी मम्मी जल्दी उठ जाती हैं तो माय मदर गेट्स अप अर्ली, ये एक्शन है, तो यहाँ पर आपने एस लगा दिया, तो वे थर्ड पर्सन की बात होगी, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके बाद आफ्टर दैट वह वॉक पर जाती है, शी गोज फॉर अ वॉक, यहाँ पर गो में लगा ये एस लगा दिया, गोज हो गया, शी गोज फॉर अ वॉक, और फिर एंड देन वो वापस आती है, शी कम्स बैक, इस बस इसका ध्यान रखना आपको, शी कम्स बैक, कम में भी ऐसा लगा दिया, एक्शन शी कम्स बैक। इसके बाद आफ्टर दैट वो ब्रश करती हैं, शी ब्रशेस, यहाँ भी देखो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, एक्शन है, शी ब्रशेस हर टीथ। इसके बाद आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद आफ्टर ब्रशिंग वो नहाती है, तो शी टेक्स अ बाथ, नहाना होता है टेक अ बाथ, तो टेक में लगेगा ऐसा लगेगा, शी टेक्स अ बाथ, और फिर एंड देन वह खाना बनाती है, तो शी प्रिपेयर्स, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, खाना बनाना होता है प्रिपेयर फूड, कोई भी चीज़ बनाए प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट सभी के लिए फॉर एवरीवन, और फिर एंड देन वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, वापस आती है, पोछा लगाती है, शी स्वीप्स। ठीक है, यहाँ पे देखो स्वीप झाड़ू लगाना होता है द फ्लोर। इसके बाद मोप्स, एम ओ पी एस,
मूव्स द फ्लोर, फिर वो टीवी देखती है, सी वॉचेस, यहाँ पे लगा हुआ है WTCHES, सी वॉचेस टेलीविजन, और फिर वो सो जाती है, देन सी गोज टू बेड। तो आज हमने सीखा कि हम इस थर्ड पर्सन का रूटीन हम कैसे बताएंगे। तो आई होप ये क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।